मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निडेरियंस की वॉल्स। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको पुराने लेक्चर से क्या रिलेट कर रहे हो आप? दो फॉर्म्स निडेरिया की प्रेजेंट है। ऊपर वाली फॉर्म को क्या कहते हैं? मेड्यूसा। नीचे वाली फॉर्म को क्या कहते हैं? पॉलिप। और देखो दोनों की लेबलिंग भी हुई है। तो अगर हम निडेरियंस की वॉल पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी तीन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, बीच वाली लेयर को मीजोग्लिया कहते हैं, जो अंदर वाली लेयर है उसके थोड़े ज़्यादा नाम है, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं हम उसे, उसे हम सीलोन्टेरॉन कहते हैं, और उसे हम गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। अच्छा चलो एक और पॉइंट सुन लो। हम लोग कह रहे हैं इसका नाम सिनिडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसका नाम सीलेंट्रेटा क्यों है और निडेरिया क्यों है? सीलेंट्रेरॉन से सीलेंट्र और एटा मतलब टू हैव, होना। मेरे पास इसके पास सीलेंट्रेरॉन है, इसीलिए हम इसे सीलेंट्रेटा कहते हैं। निडेरिया क्यों कहते हैं इसे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। किसी भी, जैसे अगर सेल्स की बात कर रहे हो और लास्ट में उसके ब्लास्ट आए ना, तो समझ जाना कि वो किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जैसे ओस्टियोब्लास्ट, ये ब्लास्ट मतलब बम वगैरह नहीं होता है, ये बोन सेल्स होते हैं तो बोन्स बनाते हैं। तो अब मैं और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे, तो हम अभी उधर नहीं जाएंगे। अब ये हो गया, तो अब हम एपिडर्मिस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं पहले एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं ये स्टार्ट करूँगी ये बताकर। तो पहला सेल आता है एपिथीलियल मस्कुलर सेल्स। नाम से दो चीज़ें समझ आ रही हैं कि किसमें एपिथीलियम है और इसमें मसल सेल्स हैं। मसल्स होती हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये वाली लेयर रिस्पॉन्सिबल है, एपिडर्मिस। यही चीज़ आप पढ़ोगे, यही वाली एपिथीलियल मस्कुलर सेल्स होती है गैस्ट्रोडर्मिस में। और उसमें खासियत ये होती है कि वो हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। और ये बात मैं उस टाइम पूछूंगी। तो देखो एपिथीलियल सेल्स होगी पहली सेल, एपिथीलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और ये सेल्स प्रोटेक्शन की, एपिथीलियल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। तो एपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट है तो उसका काम भी ले लिया इसने, प्रोटेक्शन करती है, कवर करती है बॉडी को। और मसल्स हैं तो मसल का काम भी ले लिया इसने, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब इसका दूसरा सेल जो है वो है ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स कहीं पे ये आए तो ये म्यूकस सिक्रीट करता है, और यही ग्लैंड सेल आपको गैस्ट्रोडर्मिस में भी मिलेगा, पर वहाँ ये म्यूकस के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा होगा। याद कर लो, कंपैरेटिव स्टडी से सबसे ज़्यादा याद होता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम इंटरस्टीशियल सेल्स। ये होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, मतलब रीजनरेशन के लिए हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा हाइड्रा में रीजनरेशन होती है, तो मैं वैसे इन सारे निडेरियंस में होती है, मतलब हाइड्रा अक्सर लोगों को पता होता है, तो मैं ऐसा याद करने के पर्पज़ से बहुत सही रहेगा। और इंटरस्टीशियल सेल्स आपको गैस्ट्रोडर्मिस में भी मिलेंगे और मैं पूछूंगी। नेक्स्ट आते हैं सेंसरी सेल्स, सेंसेशंस जनरेट करने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ बायोलॉजी की है कि आप कितनी बार नाम से ही चीज़ों को डिराइव कर सकते हो, इतनी लंबी लंबी लाइनें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हो गया रीजनरेशन ऑफ सेंसेशन, और यही वाले सेल्स आपको गैस्ट्रोडर्मिस में भी मिलेंगे। नेक्स्ट आता है नर्व सेल्स। अब देखो इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ सुनो। जैसे हम पॉरीफेरा से वर्टिब्रेटा की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली पॉरीफेरा से वर्टिब्रेटा लाख गुना ज़्यादा एडवांस्ड है। तो पॉरीफेरा में अभी तक नर्व्स, न्यूरॉन्स जैसी कोई चीज़ नहीं आई थी, ब्रेन जैसी कोई चीज़ नहीं आई थी। ये एक तरह का पहला स्टेप है इवोल्यूशन का ब्रेन की तरफ। तो नर्व सेल अपीयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन निडेरियंस, पॉरीफेरा में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्म सेल्स। ये जर्म सेल से आपको क्या समझ आता है? गमीट प्रोडक्शन। अब इसमें ना वो जैसे इसकी क्लासिफिकेशंस हैं एंथोजोआ, स्केफेजोआ और हाइड्रोजोआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे ये एम्स वाले जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट का मैं इतनी गारंटी नहीं दे सकती, पर एम्स में इसके चांसेस अच्छे होते हैं।
एक्टोडर्मल जो रीजन है, मतलब बाहर तरफ एपिडर्मल रीजन में, उसमें अगर ये जर्म सेल्स प्रेजेंट है तो ये वाली कैटेगरी हो जाएगी हाइड्रोजोअन। और अगर ये गैस्ट्रोडर्मिस मतलब एंडोडर्मल लेयर में प्रेजेंट है तो इसको हम स्किफेजोआ या फिर एंथोजोआ में डालेंगे। तो एक तरह से बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन मेथड भी है कि अगर आपको निडेरिया मिला है और आप उसकी जर्म सेल्स ढूंढ रहे हो और आपको बाहर मिल गया, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा कि ये तो पक्का हाइड्रोजोआ का मेंबर है। अब हम आते हैं नीडोप्लास्ट, नीडोसाइट, नेमाटोसाइट, नेमाटोब्लास्ट। जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसका नाम निडेरिया पड़ा, और इसको मैं शॉर्ट में नहीं लूँगी, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो अब पहले आप इसके नाम सुन लो, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट। जिस भी नाम में CYTE आता है इसका मतलब होता है सेल, CYTE सेल, SITE मतलब जगह। प्रोनाउंसिएशन सेम है, गलती मत करना। निमेटोसाइट, निमेटोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और ये स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं, सबसे कॉमन नेम इसको पढ़ के ही मारने वाला। अब हम आते हैं इन सेल, इन स्पेशल सेल्स के ऊपर, क्योंकि ये इनकी स्पेशलिटी है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि नीडोब्लास्ट कहाँ मिलता है, तो आपको सीधा निडेरिया पर टिक करना है, और कोई ऐसी फाइलम नहीं है जिसमें नीडोब्लास्ट मिलता है। नीडोब्लास्ट जैसा कुछ मिलेगा पर नीडोब्लास्ट नहीं मिलेगा, ये टर्म सिर्फ इस फाइलम के लिए ही लिमिटेड है। सो अब हम आए नेक्स्ट पे। अब ये सेल होते बड़े इंटरेस्टिंग है, इसको देख के ही लगेगा कि ऐसा सेल भाई स्टिंगिंग सेल है, क्यों रखेगा कोई? ऑफेंस और डिफेंस के लिए ऑर्गेनिज्म इस टाइप का सेल रखता है। और सबसे बड़ी बात ना, ये हो सकता है कि इसका जो आप देख रहे हो, इसका जो विप जैसा स्ट्रक्चर है, लंबा सा थ्रेड जिसके थ्रू ये अटैक करता है, उसकी जो टिप होती है ना वो ओपन भी हो सकती है, मतलब ये कोई सॉल्यूशन भी पोर कर सकता है अपने सामने वाले एनिमी या फिर अपने प्रे पे, प्रे मतलब शिकार पे, या फिर इसकी एंड, इसकी जो टिप होती है वो बंद भी हो सकती है, क्या पता कुछ बहुत नुकीली एंड हो जिससे सीधा अटैक करके मतलब प्रे को रोक दे, या फिर अपने अपने जो उसके ऊपर जो उसका एनिमी है उसको मतलब हर्ट करने के लिए आसान होता है। पहले तो अगर शिकार है तो उसको मार दिया तो वो धीरे हो जाएगा, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। और एंकरेज, ये स्टेटमेंट या ये वर्ड याद रखो, एंकरेज टर्म अटैचमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, ये सिर्फ एपिडर्मिस में पाया जाता है और ये बहुत लॉजिकल है। अब गैस्ट्रोडर्मिस में इसकी क्या ज़रूरत, एनिमी बॉडी के अंदर थोड़ी ना घुसेगा। और उसके बाद है, ये बॉडी पे भी प्रेजेंट होता है और ये टेंटिकल्स पे भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रा के पास टेंटिकल्स आपने देखे होंगे, मतलब मैं हाइड्रा के एग्जांपल मोस्ट कॉमनली इसलिए लेती हूँ ना क्योंकि हाइड्रा के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, और नहीं देखे तो भाई गूगल है, गूगल कर लो। और इसके बाद है, देखो इस कलेक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट को हम बैटरीज कहते हैं, और ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है। तो अगर ये भी हो सकता है कि नीडोब्लास्ट का ज़्यादातर कलेक्शन टेंटिकल्स पे होता है, और ये लॉजिकल भी है, टेंटिकल्स के थ्रू अटैक करेगा तो टेंटिकल्स पे ज़्यादा वेपन्स होंगे तो अच्छा अटैक होगा। तो ये हो गया हमने नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट, नेमाटोसाइट, नेमाटोब्लास्ट, और इसे हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं, और इसके बारे में आपको इसका मोटिव क्या है ये पता चल गया। नेक्स्ट आए हम, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट मैंने नेमाटोब्लास्ट, ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं इसको बनाने की कोशिश की है। तो पहले तो आप देखो ये ओवॉइड है, तो ये ओवॉइड ओवल शेप्ड सेल्स हैं, और इसमें है न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद हमने जो पहला डायग्राम जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो डिस्चार्ज्ड है, मतलब अभी वो इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये जो अंदर मैंने उसको सॉल्यूशन जैसा बनाया है वो हिप्नोटॉक्सिन है, मतलब जिस टॉक्सिन से वो अटैक करता है अपने एनिमी या प्रे पे। और जो अंतर है उसके वो है नेमाटोसिस्ट। ओके, अब ये जो आपको पर्पल कलर का, पर्पल ब्लूइश दिख रहा है, ये ओपरक्यूलम है। ओपरक्यूलम मतलब ढक्कन, मतलब अभी ना वो स्टिंग जो है वो अंदर ढक्कन में बंद है। इसके बाद इसके जो रेड कलर का है वो ट्रिगर है। ट्रिगर क्यों होता है, और इसे हम नीडोसिल भी कहते हैं, क्योंकि इसी पे किसी तरह का मैकेनिकल या केमिकल स्टिमुलाई आएगा और ये ट्रिगर
स्टिमुलेट होगा, ढक्कन खुलेगा, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलेगा, या तो वो अगर उसकी टिप मतलब नोकीली होगी तो वो वैसे अटैक करेगी, अगर हिप्नोटॉक्सिन वाली हिप्नोटॉक्सिन वाला नीरोब्लास्ट है तो वो सीधा सोल्यूशन पोर कर देगा। नेक्स्ट आया बट, देखो ये आपको जो डिस्चार्ज में जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है और जो चार्ज है उसमें मुझसे थोड़ा गलत बन गया है, वो ट्रायंगल जैसा ही, तो उसे हम बट कहते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी ना नीडोब्लास्ट के टाइप्स होते हैं कुछ, ये नीट के पर्पज से तो उतना नहीं है बट एम्स में ज़रूर आएगा, आ सकता है, मतलब ज़रूरी, मैंने थोड़ा पेपर बनाया बट जैसा देख रही हूँ मैं। तो उसके बाद ये है स्पाइंस, मतलब इस बट के ऊपर स्पाइंस भी प्रेजेंट होती है, मतलब प्रे को किस तरह से अटैक कर सकता है ये, अगर इसकी टिप क्या बोलते हैं वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसकी जो टिप है वो नुकीली हुई तो उससे भी अटैक हो गया, वो जो बट है उस पर स्पाइंस है उससे भी अटैक हो गया, मतलब हर तरह से ना ये हर्ट करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आए हम लासो थ्रेड, देखो इस लासो थ्रेड का सबसे बड़ा पर्पस है कि नेमाटोसिस्ट अटैक करने के चक्कर में बाहर ना गिर जाए, जैसे फिर अटैक अच्छा थोड़ी ना हो पाएगा, तो मतलब जैसे झटके से वो टिप वाली चीज़ जो और हिप्नोटॉक्सिन कंटेनिंग हिप्नोटॉक्सिन पोर करने वाला थ्रेड है वो झटके से बाहर निकला, और अगर ये लासो थ्रेड नहीं होती तो उसके पीछे पीछे वो भी बाहर निकल जाता नेमाटोसिस्ट, तो फिर वो उतनी स्ट्रांगली हिट नहीं कर पाता ना, इसीलिए लासो थ्रेड का काम है नेमाटोसिस्ट को पकड़ के रखना। और ये दूसरा वाला चार्ज्ड है। नेक्स्ट आए हम, जैसा कि मैंने बताया ट्रिगर को स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेट होते ही खुल जाता है, ट्रिगर स्टिमुलेट होता है, ओपरकुलम खुल जाता है, चीज़ बाहर आ जाती है, अटैक करती है, सो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब देखो इसमें चार तरह के निमाटोसिस्ट होते हैं और मैं बहुत इजी है ये, एक होता है पेनिट्रेंट सबसे बड़ा, और इसकी थ्रेड ट्यूब की टिप ओपन होती है, मतलब ये कुछ पोर करने वाला है। दूसरा वॉल्वेंट सबसे छोटा, इसकी थ्रेड ट्यूब क्लोज होती है, मतलब इसके पास कुछ स्पाइन ही होगा जिससे ये अटैक करता होगा। नेक्स्ट है स्टेरुलिन, इसके पास बट भी एब्सेंट होता है, इसके पास स्पाइन भी एब्सेंट होता है। अब जो चौथा वाला है स्ट्रेप्टोलिन, उसके पूरी थ्रेड ट्यूब के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, बस फालतू याद नहीं करना है, सो मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट करो, बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो हम ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, और ये इजी भी है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बट एब्सेंट स्पाइन एब्सेंट और थ्रेड ट्यूब की पूरी थ्रेड ट्यूब के ऊपर स्पाइन हो तो क्या किस टाइप का है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब हमने आउटरमोस्ट लेयर फिनिश कर ली, अब हम आए मेसोग्लिया सेकेंड लेयर पे। पहली बात तो इसमें सेल्स होते ही नहीं है, तो ये लेयर हुई ए सेल्यूलर, सेकेंड लेयर ए सेल्यूलर लेयर, और उसके बाद इसमें एक होता है जेलेटिनस मटेरियल, जेलेटिनस मतलब जेली लाइक मटेरियल, और निडेरिया में जेलीफिशेस भी आती हैं, हाँ निडेरिया में जेलीफिशेस भी आती हैं, और उनमें ये जो मीजोग्लिया का जेलेटिनस मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो सिंपल सी बात लिखिए, इट इज़ द मिडल लेयर नॉन सेल्यूलर एंड जेलेटिनस, जेलेटिनस मतलब जेली लाइक, स्पेशली थिक इन जेलीफिशेस। अब हम आए इनर मोस्ट लेयर पे जिसमें सेल्स होते हैं, और इस लेयर को हम गैस्ट्रोडर्मल लेयर भी कहते हैं, इस अंदर वाली जो कैविटी है उसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, उसी कैविटी को हम सीलेंटेरॉन भी कहते हैं। सो इसमें सबसे पहले सेल्स हम किसकी बात करेंगे, एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स की, और इसे हम न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इधर जो एपिथीलियल सेल्स है वो डाइजेशन का काम भी करते हैं। ओ मतलब निडेरियंस में जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेल्युलर होती है, इंट्रासेल्युलर मतलब इंट्रा सेल्युलर मतलब सेल के अंदर होती है, हाँ होती है, और जो इसके मस्क्यूलर सेल्स हैं जैसे कि हमने एपिडर्मल में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो इसके मस्क्यूलर सेल्स क्या करते हैं, इसके मस्क्यूलर सेल्स हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो अब नेक्स्ट आया हमारा ग्लैंड सेल्स, एपिडर्मल लेयर में क्या कर रहे थे ग्लैंड सेल्स, म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे, पर यहाँ तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहे हैं, मतलब जब खाना
सबसे अंदर वाली लेयर में आता है तो ये सेल्स रिलीज करते डाइजेस्टिव जूस, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है कि एंडोथीलियल सेल्स खाने को अंदर लेके डाइजेस्ट कर रहे हैं और ग्लैंड सेल्स डाइजेस्टिव जूस बाहर फेंक दे रहे हैं, जिससे सेल्स की डाइजेशन कैविटी के अंदर ही हो रही है। हाँ, निडेरिया की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें डाइजेशन इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है और ये नीट में आया हुआ है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं वही बात, द डेयर डाइजेशन ऑफ फूड फर्स्ट टेक्स इन प्लेस इन गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी एंड देन कंप्लीटेड इन एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स। तो पहले हुई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरी बार हुई एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स से, मतलब इंट्रा सेलुलर। हैंस डाइजेशन इन निडेरियंस इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का और ये गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, सेल के बाहर कैविटी में ही होगी, और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, तो कोई सेल बताओ, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स। अब और भी सेल्स होते हैं पर उसका फंक्शन आप बताओगे मुझे। इंटरस्टीशियल सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। सेंसरी सेल्स ये क्या होते हैं? सेंसेशंस रीजनरेट करते हैं। नर्व सेल्स क्या होता है आपको नहीं पता? नर्व सेल्स मतलब जिसमें, ये एक फर्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन की तरफ, सो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दी लेयर्स ऑफ निडेरियंस। एंड अब रह गया है क्लासिफिकेशन एंड देन टीनोफोरा। सो ये आई एम स्टिल इन दी प्रोसेस एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि सब कुछ मैं जल्दी से रैप अप कर लूँ ताकि आपके एग्जाम से पहले आपको टाइम मिल जाए पढ़ने का। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।